हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अगर आप आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि यूआईडी की वेबसाइट पर अभी सभी तरीक़े से यूआईडी की वेबसाइट चेंज हो चुकी है। पहले जैसे आधार कार्ड डाउनलोड नहीं होता है, अब थोड़ा डिफरेंट हो गया है। और आप एनरोलमेंट नंबर से किस प्रकार आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, आज हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे, क्योंकि पहले हम डायरेक्ट कर लेते थे, अब तो थोड़ा बहुत कुछ, थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी प्रोसेस चेंज हो चुका है। आज हम आपको वो सभी दिखाएंगे। अगर आप आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं एनरोलमेंट नंबर से तो किस प्रकार का कर सकते हैं, आज हम आपको दिखाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो। चलो तो हम आ जाते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सर्च बार में टाइप करेंगे यूआईडी, ये वेबसाइट की है। इस वेबसाइट पर आना है आपको, ये पहले लिंक पर क्लिक करना है। अभी तक तो वैसा ही प्रोसेस है। ये देखिए डाउनलोड, यहाँ देखिए ओके क्लिक करेंगे। ये देखिए इस तरीका से इंटरफेस हो चुका है अपना। इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये रहा एनरोलमेंट आईडी, इस पर क्लिक करेंगे। और देखिए यहाँ पर मैं एनरोलमेंट आईडी डाल रहा हूँ, जो नया आधार कार्ड बनवाते हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। यहाँ देखिए इनरोलमेंट आईडी को ये इनवैलिड दिखा रहा है, जबकि इनरोलमेंट आईडी हमारी बिल्कुल ठीक है, फिर भी इनवैलिड दिखा रहा है। इसकी क्या वजह है, ये किस प्रकार सही होगा, ये देखिए हम इस पर जाएंगे, ये लॉस्ट फॉरगेटन वाले पर, इस पर क्लिक करेंगे। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, देखिए मैंने क्लिक कर दिया है। और देखिए हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ देखिए आधार कार्ड नंबर, और यहाँ पर ये नाम, आधार कार्ड नंबर वाले सिलेक्ट करेंगे। और ये देखिए वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। यहाँ पर नाम डालना है, यहाँ मोबाइल नंबर, तो यहाँ ये कैप्चर फिल करना है, और उसके बाद सेंड ओटीपी। तो मैं देखिए यहाँ पर ये नाम डाल ले रहा हूँ, मैं नाम टाइप कर लूँगा, जो भी नाम हो आपका वो टाइप कर लेना। मैंने देखिए नाम टाइप कर रहा हूँ, देखिए मैं नाम टाइप कर लिया, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करूँगा। देखिए मैंने अपना मोबाइल नंबर फिल कर लिया है, यहाँ कैप्चर फिल कर दूँगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। देखिए मैंने क्लिक कर दिया है, यहाँ देखिए हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है। देखिए मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी फिल कर दे रहा हूँ। और यहाँ देखिए योर यूआईडी इज सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, मतलब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो आपने आधार कार्ड में लिंक कराया था उस पर आधार कार्ड नंबर भेज दिया गया है। अब आप आधार कार्ड नंबर से यहाँ पर आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अब हम आधार कार्ड नंबर डालेंगे यहाँ पर। आप इस तरीक़ा से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है। पहले डायरेक्ट एनरोलमेंट नंबर डालते थे, डेट और टाइम डाल देते थे, डाउनलोड हो जाता था, लेकिन अब पूरी तरीक़ा से चेंज हो चुका है। देखिए मैंने आधार कार्ड नंबर डाल लिया है, यहाँ कैप्चर फिल करूँगा। मैंने यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दूँगा। देखिए हमारा कैप्चर गलत बता रहा है, फिर से डालेंगे।
मैं फिर कर रहा हूँ सेंड ओटीपी। ये देखिए हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड हो चुका है। यहाँ पर ओटीपी डालेंगे। देखिए मैं ओटीपी डाल दे रहा हूँ और ये वेरीफाइड डाउनलोड। ये देखिए कंग्रेचुलेशन हमारा, ये देखिए नीचे विंडो पर डाउनलोड हो चुका है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ अपना पासवर्ड डालेंगे। मैं अपना पासवर्ड फिल कर लेता हूँ। सबमिट कर दूंगा। ये देखिए हमारा आधार कार्ड।